नमस्कार दोस्तों, नेपाल की क्रिकेट टीम कमाल पे कमाल करती जा रही है। जी हाँ, ट्राई नेशन सीरीज का नेपाल का ये तीसरा मुकाबला था और इसको भी नेपाल ने बखूबी जीत लिया। टॉस जीतकर नेपाल ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और यूएई को 164 रन पे रोक दिया, जिसमें उनके 7 विकेट गिरे और 20 ओवर में 164 रन बना पाए। फिर बारी आई चेज करने की। नेपाल को बनाना था 165 का टारगेट। नेपाल के बल्लेबाज बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे क्योंकि पिछले दो मुकाबले तो वो जीत के गया है और एशियन गेम्स में भी उन्होंने कमाल किया था। कॉन्फिडेंस टीम के अंदर घुस चुका है और इसीलिए नेपाल ने इस मुकाबले को भी जीता, जहां पर कुशल ब्रुतेर एक रन बनाकर जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन आशिफ शेख ने पारी को संभाला और 62 रन बनाए। सोमपाल कामी वही 2 रन पर आउट हो गए और कुशल मल्ला, जिन्होंने पिछले मैच में 92 रन बनाए थे, वो शून्य पर ही आउट हो गए। लेकिन कप्तान रोहित पटेल ने अपनी जबरदस्त पारी खेली और 47 रन बनाए और 3 रनों से अपनी अर्धशतक से चूक गए। साथ साथ दीपेंद्र सिंह एरी ने भी 40 रन बनाए और इन सभी के रनों के योगदान के साथ नेपाल 165 रन बना लिया 19.2 ओवर में। साथ ही विकेट्स की बात करें तो सोमपाल कामी ने 4 ओवर में 2 विकेट चटकाए, एपोरा ने भी 4 ओवर कराए और 2 विकेट चटकाए, करण केसी ने 4 ओवर कराकर 1 विकेट चटकाया, गुलशन झा ने भी 1 विकेट चटकाया 3 ओवर में। कुशल मल्ला को एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ, लेकिन उनकी इकॉनमी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने 4 ओवर में मात्र 10 रन दिए। जो थी नेपाल की पूरी पारी। आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लगी, अनबॉक्सिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए NINews।